और चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों टमाटर के मूल्य बढ़ने से पूरे देश में टमाटर की चर्चा हो रही है। हल्द्वानी में टमाटर उत्पादन को लेकर किसानों का कहना यह है कि किसानों को अभी तक इसका सही मूल्य नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही किसानों का मानना है कि बेमौसम बारिश होने से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे उत्पादन कम होने से टमाटर का मूल्य बढ़ गया है, लेकिन इसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। अभी तो 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो टमाटर हो रहा, इसमें हमको क्या फायदा है ना? अब अभी तो इतना हो रहा, अब हम टमाटर लगाते हैं हम तो खाली पीट जाते हैं। 1000 रुपये 1200 पैकेट आता है, वैसे खाद है, वैसे जुताई है, सब दवाई है, फिर हमारा क्या होता है? हमारा क्या जाता है हो 5 रुपये किलो, तो उसमें तो सारा या आरती बिचौलिया ही खा जाते हैं ना, उसमें हमको क्या फायदा? हम तो खाली खाली पीट गए। बेमौसमी बारिश की वजह से थोड़ा टमाटर की फसल को नुकसान तो हुआ ही है, कहीं पर उत्पाद भी जो उत्पादन हो रहा था वो भी खत्म हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा महंगाई है टमाटरों में। जो टमाटर पहाड़ों को होता था वो बारिश की वजह से खराब हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा महंगा है टमाटर। हमें कुछ मिल नहीं पाता है, आर्थिक का होता पूरा ही पड़ता है हम लोग को होता नहीं कि मैं इस टाइम में महंगा टमाटर है हम खा नहीं सकते हैं, और हमें बस कुछ नहीं रहा, किसान बेमौत मर रहा है और हमें मिल नहीं पा रहा है, और हमें जब हमारी टमाटर चलते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये किलो के बिकते हैं, हमें कोई उसमें हमारे को मिल नहीं पाता है, हमें हम तो बेमौत ही मारे जा रहे हैं।